So hi and welcome back to this another episode with me, Arsha. I hope you guys are doing good. And in this video, I'm going to talk about what to do, right? CAT 2024, which is in November, or should I go for a tier 2 or a tier 3 college, which you get. I think this confusion is in a lot of students' minds. And we will explain that confusion in detail in this episode. में. So simple सी चीज़ है, हम start करते हैं. पहली चीज़ जो पहला हेडलाइन है, पॉइंट्स क्या लिखे हैं उसको हम थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे, दैट इज़ सेल्फ एनालिसिस. मेरे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स कॉल करते हैं एंड दे आस्क दिस क्वेश्चन. जैसे रिसेंटली मैं एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म स्टूडेंट ने भरा था एंड ही सेड मेरे 94% टाइल आए हैं यू नो कैट में, बट मेरा कोई अच्छा आई एम कन्वर्ट नहीं हुआ है. आई एम सो सॉरी, वो प्रोफाइल वो जो क्योंकि वो मुझे एकदम अभी इंस्टेंटली पॉपअप हुआ, मुझे टॉपिक नहीं पता था कि मैं आज ये शूट करने वाली हूँ, अदरवाइज मैं वो स्क्रीनशॉट लगाती. तर ही बेसिकली मेंशन कि मेरा 94% टाइल है बट मेरा कोई बहुत अच्छा आई एम कन्वर्ट नहीं हुआ है, और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा अकेडमिक्स भी जो है वो अच्छा है और मैं कन्फ्यूज हूँ कि मैं यू नो इस साल कॉलेज लूँ या फिर यू नो ड्रॉप ले लूँ. एंड आप इमेजिन नहीं करेंगे आज विद इन दिस वीक जो मेजर क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं, 92% टाइल, 89% टाइल, कॉलेजेस लेट्स से उन्होंने कहीं अप्लाई किया है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉलेजेस. सो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ एनालिसिस. पहले अपने आप को एनालाइज करो. लेट्स से तुम अगर एक बार ड्रॉप लेते हो, बिकॉज यू हैव 6 months टू गो, राइट? यू डोंट हैव मच ऑफ टाइम, आई बी ऑनेस्ट टू यू. सो अगर आपके पास 6 months का टाइम है तो 6 months में आप क्या झंडे गाड़ोगे, राइट? अगर आपको लगता है दैट लेट्स से आपका 94% टाइम आ रहा है तो डेफिनेटली यू नो आप अगर ओल्डर आईएम्स के लिए ड्रॉप ले रहे हो देन इट मेक सेंस, राइट? अगर आपका 94 से 95% टाइल आया तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे. तो ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. इस कैटेगरी में वो भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका परसेंटाइल 60 आया है, 65 आया. तो एक चीज़ सिंपल सी समझो कि अगर तुम्हारा परसेंटाइल 60 आया, 70 आया, तुम्हें लगता है तुम 94+ percentile जा सकते हो, देन गो फॉर अ ड्रॉप. अगर तुम्हें लगता है वो तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज सी आई मीन किसी से भी तुम कॉल पे बात करोगे, आइदर इट्स योर टीचर, आइदर इट्स एनीबडी, नोबडी विल बी एबल टू टेल यू दैट व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ अकेडमिक्स, बिकॉज कैट इज नॉट हलवा, इट्स नॉट ईजी. ट्रस्ट मी, आई टेक अ लोड ऑफ इंटरव्यूज ऑफ स्टूडेंट्स जो you know all these older IIMs, and recently I have taken interview jo student ne sala mein Bangalore convert kiya and usne bhi drop liya, you know usne drop nahi liya basically usne you know ek drop liya first time mein kya tha ki basically he got 92% 93% and he was not able to make in to the colleges jo prefer kar raha tha. 6 months ka time tha, drop liya and he was able to make it with 98+ percentile to IIM Bangalore. But the best part is उस student का academics overall 90+ था, 10th, 12th, graduation, family business का experience था, तो he have a lot of things to talk on. अब ये चीज़ आप analysis नहीं करोगे तो फिर आपका you know sense नहीं बनेगा. Are you ready to go through that preparation process again? You just have to identify a lot of things कि आपकी preparation में कहाँ गलती हुई, किस वजह से आपका स्कोर वो नहीं हो पाया, क्या चीज़ काम करी, क्या चीज़ काम नहीं करी. मैं फिर से यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ. मैं रिसेंट एक स्टूडेंट से बात कर रही थी यू नो एंड ही बेसिकली सेड दैट यू नो पहले क्या हो रहा था कि मैं हर टॉपिक के लिए अलग अलग नोट्स, अलग अलग बुक्स फॉलो करा. फॉर मी इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट यू नो उन सबको एक साथ कंबाइन करना. तो हर स्टूडेंट अगर तुम ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कहाँ तुम्हारे यू नो ग्रे एरियाज हैं, राइट, और तुमको लगता है दैट तुम उसको कर पाओगे, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस अगेन, राइट? एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम मोर रिग्रेसली आपको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है. तो अगर आपको लगता है आप वो कर सकते हैं देन इन दैट केस यू कैन थिंक अबाउट इट. बट अगर आपको लगता है लेट्स से मेरा 50% टाइल है, 60% टाइल है, मैं नेक्स्ट ईयर ज़्यादा से ज़्यादा 70% टाइल ले आऊँगा, 75% टाइल रहूँगा, उस केस में अकेडमिक्स तुम्हारा ठीक ही है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ है, उस केस में सोचो, राइट? तुम चाहो तो तुम टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में भी वहाँ भी जाके परफॉर्म करोगे, प्लेसमेंट मिलेगा. एंड ऑफ द डे स्किल्स विच मैटर्स द मोस्ट एंड आई थिंक दैट इज समथिंग व्हाट नोबडी अंडरस्टैंड. आई टोटली अग्री यू नो डूइंग एमबीए फ्रॉम अ टीयर 1 कॉलेज इज समथिंग विच मैटर्स अ लॉट. बट एवर यू नो हर स्टूडेंट के लिए गेटिंग इन टू आई आई टी बॉम्बे एंड आई एम अहमदाबाद इज नॉट पॉसिबल. आई बी ऑनेस्ट यू बिकॉज आई माई सेल्फ राइट जे का एग्जामिनेशन एंड आई कैन आई टेकन ड्रॉप ऑल्सो. तो आई नो कि वो जर्नी कैसी रहती है. तो अपने आपको एनालाइज करो, क्वेश्चन योर सेल्फ, यू नो आपके कोई मेंटोर्स हैं उनसे डिस्कस करो. कोई भी अगर आपको हेल्प लगती है फील फ्री टू रीच आउट. लाइक शेयर एंड फॉलो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.